इमाम राजी ने लिखी है एक बात, बड़ी बड़ी अजीब बात लिखी। इमाम राजी कहते हैं जमीन पे नबी पाक ने हजरत अली को भाई बनाया था, तो आसमानों पे जिब्रील अमीन ने हजरत मीकाईल को भाई बना लिया। तो रब करीम ने पूछा क्यों भाई बन गए हो, कब तेरे महबूब का जलवा देख के बन गए। जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए ना, एक को हुजूर ने साथ ले लिया, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर दा पहला नंबर किसका है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सबक बच्चों को याद कराएं। अब हमारे लोग मसले भी कवालों से पूछने लग गए, फतवा भी कवाल का चलता है, अल्लाह ही खैर करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने साथ ले लिया हिजरत की रात, और मौला अली शेरे खुदा को बिस्तर पे सुलाया। रस्ते में भी बड़ा खतरा था, पर बिस्तर पे उससे ज्यादा खतरा था, इसलिए कि जब चादर में लिपटा हुआ कोई शख्स है तो किसी को क्या पता कौन है। अगर आके वो पर्दा ना हटाते, ऐसे ही कत्ल कर देते तो क्या पुरसाने हाल होता, कुछ भी ना होता। इमाम राजी कहते हैं रब करीम ने फरमाया जिब्राइल मीकाईल, तुम दोनों कहते थे हम भी भाई भाई बन गए, बताओ तुम में से कोई एक दूसरे पे जान कुर्बान करेगा, करेगा जान। फरिश्ते खामोश हो गए, तो रब ने फरमाया अब नीचे जरा जलवे तो देखो, अली मेरे रसूल पे जान कुर्बान कर रहा है, जाओ देखो ना जाके जलवे, तुम तो भाई भाई बने थे। फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला हमारी ड्यूटी क्या है, फरमाया अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम जाओ जमीन पे, दो तलवारें ले लो और अली की चारपाई के ऊपर खड़े हो जाओ, उसने मेरे मुस्तफा पे जान कुर्बान की है, उसकी जान की हिफाजत करो, वहां खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। हजरत शेर खुदा मौला अली हर मैदान में अव्वल, हर जंग में पहल, अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। अल्लाह फरमाता सबकत लेने वाले सबकत ले गए, आगे गुजरने वाले आगे गुजर गए, और यही लोग हैं जिन्हें रब का कुर्ब नसीब हुआ। हजरत अली ने मकान नहीं बनाया, सारी जिंदगी मकान नहीं बनाया, कोई कारोबार नहीं किया सारी उम्र। अब इस पहलू पे भी जरा गौर करें, हजरत अली रजी अल्लाह तआला उन्होंने कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया। सहाबाए किराम वाली मुरिदवान फरमाते हैं बड़े बड़े रिश्ते आए सैयदा फातिमा के लिए, बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों, हुजूर ने फरमाया मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। एक दिन तीनों यार इन लोगों का खुलूस देखे मौला अली के साथ, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। हजरत अली एक यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे, तो वहां गए और जाके कहा अली तू हुजूर से सैयदा फातिमा का रिश्ता क्यों नहीं तलब करता। तो हजरत अली कहने लगे भाइयों ना मकान है ना घर है ना कुछ है, रिश्ता कैसे मांग लूं। कहा तू जा तो सही, हमें तो लगता है रसूल पाक तेरा इंतजार कर रहे हैं। मौला अली शेर खुदा कहते मैं गया, मैं गया, और जब मैं हुजूर की बारगाह में गया तो इन्होंने मुझे तैयार, यार थे ना, तैयार करके भेजा, मुझे लफज भी सिखाए क्या कहने हैं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा ना तो मेरे अंदर ताकत ही खत्म हो गई बोलने की। सलाम लेके तो हुजूर के पास बैठ गया, हुजूर ने पूछा अली कैसे आए हो, तो मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो, मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो, मैं खामोश। कहते दिलों का हाल जानने वाले रसूल ने फरमाया अली फातिमा के लिए आए हो, फातिमा के लिए आए हो। तो हजरत अली कहते हैं मेरा जवाब बड़ा निराला है, मैंने कहा हुजूर वो तीनों मेरे पास बाग में गए थे, वो तीनों गए थे मुझे उन्होंने भेजा है। कहते रसूल पाक मुस्कुरा दिए, फरमाया अली उन्होंने नहीं तुझे भेजा, रब करीम ने फातिमा का तेरे साथ निकाह कर दिया है, तेरे लिए फैसला हो गया है फातिमा का, तेरे हक में फैसला हो गया। हजरत अली सैयदा फातिमा को ब्याह के ले गए तो हजरत जैद बिन हारसा के मकान में, कोई मकान नहीं। ओ भाई तू दौलत देख के बेटी की शादी करता है, सरमाया देख के फिर दुआ कराता है, दुआ करें अल्लाह मेरे दामाद को हिदायत दे दे। मेरे रसूल ने बेटी की शादी की तकवा देख के, परहेजगारी देख के, दीनदारी देख के उस शख्स को बेटी दी जो असाबिकून साबिकून के दर्जे में शामिल, जो खैरुलबरिया के दर्जे में शामिल, उनको अपनी बेटी दी। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि सैयदा फातिमा तज़ारा को मैं ब्याह के लाया, सारे घर के काम हजरत फातिमा ने किए, मैं मजदूरी करता दो घंटा या डेढ़ घंटा, जोर से असर के दरमियान काम करते, 2 किलो खजूरें मिली तो मौला अली ने उठा के अपनी कमर पे रखी। बाग का मालिक कहने लगा अली थोड़ा काम और कर लो, फरमाया 2 किलो हो गई बड़ी हैं, 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे, 1 किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। तो कहा अली कल क्या करोगे, फरमाया कल जो रब जिंदगी देगा वो रोजी भी देगा।
तो बंदा मशवरा देने लगा, मशवरा भी होता है ना करीब से, मशवरों वाले भी बड़ी खराबी करते हैं इल्ला माशाल्लाह। का अली जायज पैसे तो इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्या हर्ज है, जायज जायज इकट्ठे कर ले। तो शेर खुदा ने एक जुमला कहा पर शेरों जैसा कह दिया, हजरत अली फरमाने लगे माल हराम हो तो अजाब होता है, हलाल हो तो हिसाब होता है, लिहाजा ना मैं अजाब वाला काम करता हूँ ना हिसाब वाला काम करता हूँ, मैं इकट्ठे ही नहीं करता, ना बंदा असाब के चक्कर में पड़े ना अजाब के चक्कर में पड़े, मैं इस रस्ते जाता ही नहीं।